नमस्कार, बेस्ट रेसिपी हिंदी में मैं अंजु रजौत आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं इतनी बढ़िया मिठाई बनाने वाली हूँ जो बस मुंह में रखते ही घुल जाएंगी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल से तरीके से बनने वाली है मिठाई। तो देखिए, एक बाउल में मूंगफली मैंने ले ली है और एक में मैंने काजू ले लिए हैं। मूंगफली को मैंने सेक के और उसका पूरा छिलका हटा दिया है, तो इसको मिक्सी में पीस लेते हैं। मिक्सी में पीस के और मैंने इसका पूरे का पाउडर बना लिया है। एक बाउल शुगर, आधी कटोरी खोपरे का बुरादा, आधी कटोरी मैंने मिल्क पाउडर लिया है, ये खरबूजे के बीज हैं, इलायची है 5-6 और काजू और पिस्ता लिए हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन करके मैंने उसमें कढ़ाई रख दी है। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे, तो मैंने बाउल की शुगर जो है वो मैंने कढ़ाई में डाल दी है और अब एक बाउल भर के ही हम इसमें पानी डालेंगे। चाशनी हमें एक तार की चाशनी बनती है ना, तो हमें उससे पहले थोड़ा सा पहले हमें गैस बंद कर देना है। हमारी चाशनी बननी चाहिए सिर्फ चिपचिपी। चिपचिपी चाशनी बनाने पर हम इसको बंद कर देंगे गैस को। चाशनी हमारी चिपचिपी हो गई है तो हमने इसमें इलायची डाल दी है। सबसे पहले इलायची इसमें डाल के और इलायची को मिक्स कर देते हैं और अब डालेंगे कोकोनट पाउडर, तो ये भी इसमें मिक्स कर देते हैं, यानी कि खोपरे का बुरादा। इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से इसमें और अब हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। ये देखिए, मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया है। दोनों ही मैंने आधी आधी कटोरी लिया था। दोनों को इसमें मिक्स कर देते हैं अच्छे से। मिल्क पाउडर कोकोनट पाउडर मिक्स करने के बाद हम इसमें मूंगफली और काजू को पीस के जो हमने पाउडर बना लिया था ना, हम उसको इसमें मिक्स करेंगे। एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और इसे इसी तरह से मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाएंगे और इसको पूरे को इसी तरह से मिक्स करते रहेंगे। तो पूरे को इसमें इस तरह से डाल के और हम मिक्स कर लेते हैं। मूंगफली और काजू का पूरा बुरादा हमने इसमें डाल दिया है और पूरे को इस तरह से मिक्स करते हुए हम लो फ्लेम पे पकाते रहेंगे। गैस का फ्लेम हाई बिल्कुल नहीं रखना है, तो इसको इसी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए, ये कितना जाड़ा जाड़ा हो गया है ना। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम निकलता रहेगा ना, ये एकदम इतना जाड़ा हो जाएगा ना। तो इसे आराम से पकाना है, बस आप ध्यान रखिए। चाशनी आपको चिपचिपी बनानी है, ज़्यादा टाइट चाशनी नहीं बनानी है। एक तार की चाशनी भी नहीं बनानी है। एक तार की चाशनी बनाने से ना ये बहुत जल्दी से फटाफट से ही सूखने लगती है, इसलिए हम इसको चिपचिपी चाशनी में ही बना रहे हैं। यहाँ पर हम इसमें एक चम्मच घी डालेंगे। घी डाल के इसको मिक्स कर देते हैं। सिर्फ एक ही चम्मच घी डालना है। देखिए, बिल्कुल जाड़ी जाड़ी हो गई है ना, तो यहाँ पे हम इसमें से थोड़ा सा निकाल लेते हैं। एक बाउल में निकाल के रख लेंगे हम थोड़ा सा। इसका पूरा पेस्ट जो है ना, एक जैसा नहीं बनाना है। और अब इसे थोड़ा और पकाएंगे। इसको बिल्कुल टाइट कर लेंगे इसको हम। यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा कलर डाल देंगे। कलर हमने दो चुटकी कलर हमने पानी में घुला के रख लिया था, लेकिन हम कलर इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है, हल्का हल्का ऑरेंज ही करना है। इसलिए इसमें थोड़ा सा कलर डाल के और उसको पहले मिक्स कर लें, और आपको लगे कि थोड़ा हल्का है तो थोड़ा सा कलर फिर और डाल दें उसमें। तो अभी मुझे थोड़ा सा हल्का लग रहा है ना, इसलिए मैं इसमें 2-3 बूंद कलर और डाल देती हूँ, इससे इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इसको मिक्स कर देते हैं। तो ये बनके तैयार हो गई है। जब तक ये थोड़ी ठंडी होएगी ना, तब तक हम स्टफिंग के लिए हमारा इधर जो हमने पेस्ट निकाल के रखा है उसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये काजू, पिस्ता और खरबूजे के जो बीज मैंने लिए थे उसमें इसको मैं मिक्स कर दूंगी, और इसको मिक्स करके इसमें और मैं इसमें थोड़ा सा ना कलर डालूंगी। इसमें कलर डालने के लिए मैंने ग्रीन कलर लिया है। ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन ना बहुत अच्छा बैठता है, इसलिए इसको ग्रीन कलर डाल के और मिक्स कर देते हैं। आप चाहें, अगर आपको लगे कि आपका पेस्ट थोड़ा गीला है ये, तो आप इसमें थोड़ा सा खोपरे का बुरादा मिला सकते हैं, उससे ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कलर मैं यहाँ पे और डाल देती हूँ इसमें, और इसमें मिक्स कर देती हूँ। ये अभी बहुत गर्म है ना, इसलिए मैं इसमें खोपरा नहीं डालूंगी, क्योंकि ये ठंडा होने पर ना और ज़्यादा टाइट हो जाएगा। इसलिए इसको मिक्स करके और हम साइड में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। देखिए, ये बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। जब तक मैंने उधर पूरा मसाला मिला के रखा, तब तक ये भी बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो अब गैस को बंद कर देंगे और इसको एक प्लास्टिक की पन्नी पर निकाल लेंगे। ये मैंने पॉलीथीन लगा के रख दी है और इसमें मैंने घी लगा दिया है, तो इससे क्या है, ये इसमें चिपकेगा नहीं। तो आप पहले से ही घी लगा के रख लें। अब इसको इस तरह से हम पन्नी से ही उलट पलट करते रहेंगे। इस तरह से इसको चारों तरफ से ऐसे दबाते हुए हम इसे बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। अब मैंने दूसरी पन्नी ले ली है, उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ। और घी लगा के और इसके ऊपर जो हमने स्टफिंग के लिए बना के रखा है ना मसाला अलग से, उसको हम इसके ऊपर उसका एक रोल बनाएंगे।
इसको पूरे को इसके ऊपर निकाल लेंगे और निकाल के और इसका एक रोल बनाएंगे, लंबा सा रोल, ज़्यादा मोटा नहीं पतला सा रोल बनाएंगे इसका। तो इसको इस तरह से पन्नी से ही इसको गोल गोल करके और पूरा इसका एक लंबा रोल बना लेंगे। देखिए बिल्कुल ठंडा भी हो गया है और कड़क भी हो गया है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये ठंडा होती जाएगी ना, वैसे वैसे ये कड़क होती जाएगी, एकदम जमने की कंसिस्टेंसी में आ जाएगी ये। तो पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथों में घी लगाएंगे और घी लगा के और इसको हाथों से आगे बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। इस तरह से इसको लंबा और पतला कर देंगे, हो गया ना बढ़िया। अब इसको भी हम दबा के और थोड़ा पतला कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको बिल्कुल पतला कर लिया है और थोड़ा लंबा आकार दे दिया है। अब इसको हल्का हल्का हाथों से प्रेस करते हुए इस तरह से कर दें और पन्नी को एक साइड में हटा दें। उसके बाद ना इसके ऊपर हम थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल देंगे, जिससे ये बहुत ही अच्छा, टेस्ट भी इसमें अच्छा आएगा और दिखने में भी बहुत सुंदर दिखेगा ये। अब इसको हाथों से इस तरह से प्रेस कर देंगे और इसको चारों तरफ फैला के और इसको पलट देंगे और हम इस साइड भी इसी तरह से लगा लेंगे। ये देखिए मैंने इसके ऊपर भी चारों तरफ भुरका दिया है इसको, और इसको भी हाथों से धीरे धीरे प्रेस कर देंगे ऐसे ही पलट के। दोनों साइड ही मैंने खोपरा गिरी लगा दी है इसमें, हल्की हल्की सी भुरका के और उसको हाथों से मैंने प्रेस कर दिया है। और अब इसके ऊपर ये रोल रख के और रोल को हम थोड़ा लंबा करके और इसको बिल्कुल इसमें एक जैसा बना देंगे इसको, ताकि पूरा जो इसमें जो भरता है ना, अंदर भरावन इसकी पूरी एक जैसी दिखनी चाहिए। तो इस तरह से इसे हल्का हल्का सा दबा के और पूरा लंबा कर देते हैं। उसके बाद हम इसे पलट देंगे, पलट के इसको और अंदर फोल्ड कर देंगे ऐसे कैसे। तो पन्नी को पकड़ के आप और इस तरह से इसको फोल्ड कर दें और हल्का हल्का हाथों से इस तरह से प्रेस करते हुए इसको अच्छे से चारों तरफ से पैक कर दें अंदर। ये देखिए हाथों से हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए मैंने इसको एक डिजाइन दे दिए चौकोर टाइप की। ये बिल्कुल चौकोर जैसा हो गया है ना। इस तरह से आप इसको दोनों साइड से पलट के और इस तरह से चौकोर टाइप बना लें। और इसको 20 मिनट के लिए हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और 20 मिनट के बाद हम इसको काट लेंगे। तो ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो अब हम इसे एक चाकू लेंगे और चाकू से इसको धीरे धीरे से इस तरह से हम आधे आधे इंच के इसके पीस काट लेंगे। देखिए कितने बढ़िया बन गई है ना ये, और एकदम ठंडी, थोड़ी ठंडी होने के बाद ना ये अपने आप सेट हो जाती है बिल्कुल। तो इस तरह से आप आधे आधे इंच के पूरी मिठाई के पीस काट लें, बनके तैयार हो चुकी है बहुत ही बढ़िया मिठाई। तो देखिए पूरे मैं इस तरह से पीस काट लेती हूँ इसके। ये देखिए पीस पूरा तैयार हो गया है ना। इसको हाथों से हल्का सा प्रेस करके हम इसको और भी थोड़ा सही आकार दे सकते हैं। तो इस तरह से हम इसके सारी के इसी तरह से पीस काट लेंगे। मिठाई बनके तैयार हो गई है। जन्माष्टमी पे ऐसी मिठाई बना के और उसे सागार करें, बहुत अच्छी रहती है सागार करने के लिए मिठाई। और आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके हमें बताइए कि कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी।